नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जो 11 अक्टूबर के डेट में दोस्तों हुआ है, इसमें कौन कौन से दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं और दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। और ये भी आपको बताऊंगा दोस्तों, आपका नेक्स्ट डे अदर डे किसी भी दिन दोस्तों आपका पेपर है तो आप कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा पढ़िए कि आप एग्जाम को दोस्तों अच्छे से पास कर जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं 11 अक्टूबर को पूछे गए प्रश्न। एक बात और दोस्तों मैं बता दूँ, दोस्तों मैं अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाता हूँ। दोस्तों आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप मेरा नाम अजय सिंह सर्च करके आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मेरी सारी वीडियोस को दोस्तों आप फ्री में देख सकते हैं। दोस्तों अन अकेडमी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, आप मुझे वहां से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं 11 अक्टूबर को पूछे गए सभी प्रश्न। देखिए दोस्तों, ये 11 अक्टूबर का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आगे मैं बता रहा हूँ। देखिए प्रश्न पूछा गया है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कई बार रिपीट कर चुका है, लगभग 10 से 12 बार रिपीट कर चुका है, तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे। ESL नरसिम्हन है। कौन है? ESL नरसिम्हन वहाँ के राज्यपाल है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। और वहाँ के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू है। मुख्यमंत्री का नाम भी याद रखेंगे, यह भी पूछा गया है दोस्तों, क्योंकि आगे आपका पेपर है तो ये भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ESL नरसिम्हन और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, उस दिन आपको पिछले दिन ही बताया था दोस्तों, पूछा गया था उस दिन, पिछले दिन क्या पूछा गया था? दक्षिण कोरिया की राजधानी कहां है? सियोल। तो ऐसे ही दोस्तों आपको मैं बताया था, उत्तर कोरिया का भी ऐसे ही ब्रैकेट में लिख दिया था कि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। ठीक है, यह चीज लिखा था। और आज क्या प्रश्न पूछ लिया गया? उत्तर कोरिया की राजधानी कहां है? तो प्योंगयांग है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न क्या है? पिछले दिन मैं आपको पढ़ाया था। इसीलिए दोस्तों जितने भी रिलेटेड प्रश्न बनते हैं मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका एक भी नंबर कम ना हो पेपर में, आप अच्छे से पास कर जाएं। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है ब्राजील की मुद्रा क्या है, यह भी प्रश्न बताया गया है दोस्तों, रियाल है और रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह भी पूछा गया प्रश्न है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है सीएनजी का फुल फॉर्म। यह भी प्रश्न क्या है दोस्तों? रिपीटेड है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न दोस्तों लगभग 8 से 10 बार ये पूछा जा चुका है, तो आप इसे याद रखेंगे आप, अगर जो आपका आगे पेपर है तो। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों त्वचा और यकृत होता है। ठीक है, तो प्रश्न में अगर जो पूछे त्वचा या यकृत, ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करेंगे, ऑप्शन में एक ही दिया रहता है। ठीक है, अगर जो पूछे आंतरिक बड़ा अंग कौन सा है तो आंतरिक में क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। और बाह्य अंग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? त्वचा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं पूछता है, एक ही ऑप्शन रहता है, मानव शरीर सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा ज्यादातर ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, यकृत भी मिलता है, तो यकृत को टिक करेंगे, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा गया है फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो फ्यूज का तार दोस्तों सीसा और टीन का बना होता है। किसका? सीसा और टीन का। दोस्तों ये प्रश्न क्या है? साइंस में मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये भी प्रश्न रिपीटेड है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। आगे पेपर है दोस्तों, तो आप खूब अच्छे से डेली के पेपर के एनालिसिस देखते रहिए, जितने भी रिपीटेड प्रश्न है आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है संजू फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो आपको पता होगा दोस्तों, राजकुमार हिरानी संजू फिल्म के डायरेक्टर हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यह प्रश्न पिछले दिन भी आया था, सुमित्रा महाजन लोकसभा में के लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। सुमित्रा महाजन का नाम दोस्तों याद रखेंगे। क्या प्रश्न है? यह भी रिपीटेड है। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न दोस्तों क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि जितने दिन आपके पेपर हुए हैं 17 सितंबर से लेकर आज तक के, तो सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड किया था 17 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक जितने भी पेपर हुए थे, तो उसका वीडियो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, जितने भी रिपीटेड प्रश्न है वहां पर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा गया, देखिए दोस्तों सीईओ से डेली 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सीईओ से रिलेटेड आप प्रश्न पढ़ लेंगे। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? तो अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के सीईओ हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है सौमी के सीईओ कौन है? सौमी जो आपकी एमआई मोबाइल कंपनी है, जिसे एमआई ज़्यादातर मोबाइल बनाती है, टीवी भी बनाती है, तो वही एमआई के सीईओ कौन है? तो दोस्तों लेई जून है। कौन है? लेई जून, इनका भी नाम याद रखेंगे, चीन के हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है केनरा बैंक के सीईओ
सीईओ कौन है, इनका नाम भी पूछा गया है। तो राकेश शर्मा केनरा बैंक के सीईओ हैं वर्तमान में, इनका नाम भी याद रखेंगे दोस्तों, यही सब प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। आगे आपका पेपर है तो खूब अच्छे से दोस्तों आप याद करते हुए चलिए। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, प्रश्न यह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कई बार, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। यह प्रश्न मैं आपको 500 बार बता चुका हूँ, अगर जो आप क्रैश कोर्स के वीडियो देखे होंगे, पिछला वीडियो देखे होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह भी रिपीटेड प्रश्न है, 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 किसको दिया गया, ठीक है, तो शंख घोष को दिया गया, बांग्ला साहित्यकार हैं, इनको मिला, ठीक है। और 53वां दोस्तों किसको मिला है, 53वां तो कई बार पूछ लिया जा चुका है, 53वां 2017 का कृष्णा सोबती को मिला है, हिंदी के ये लेखिका है, ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखेंगे, कृष्णा सोबती का ये कई बार पूछ लिया जा चुका है, लगभग 20 बार से ऊपर ही पूछ लिया गया होगा। और ये आपका आज पूछ लिया गया 2016 का, 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 किसको मिला है, तो शंख घोष को। तो आप सारे प्रश्नों को याद करते हुए चलिए। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, महावीर स्वामी कौवे तीर्थंकर थे, ये प्रश्न पूछा गया, तो वे 24वें तीर्थंकर थे, याद रखेंगे दोस्तों। और 23वां भी बार बार पूछा जाता है, 23वां तीर्थंकर कौन था, तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, इनका भी नाम दोस्तों आप याद रखेंगे, आगे पेपर होगा तो रिपीट कर सकता है, मेरा बात मानिए दोस्तों, आप याद रखेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा के चुनाव कब होंगे, तो 16वीं लोकसभा के चुनाव तो हो चुका है, जो चल रहा है, 17वीं लोकसभा का होना है कब होगा, तो 2019 में होगा, इसे भी याद रखेंगे, ये सब प्रश्न रिपीट कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का, अगर आपका एग्जाम दोस्तों नहीं हुआ है, तो आपके लिए एक अच्छी ई बुक है, उसके बारे में बता दूं, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। दोस्तों एलबुक पब्लिशर ने एक ई बुक बनाई है जिसका नाम है ग्रुप डी सजेशन 2018। दोस्तों ये बुक 10 भाषाओं में है, आप किसी भी भाषा में इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों एलबुक पब्लिशर ने इसकी कीमत 100 रुपये रखी थी, लेकिन मेरे कहने पे दोस्तों ये मात्र आपको 30 रुपये में मिल जाएगी। और इसमें क्वेश्चन कैसे हैं दोस्तों, तो वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन है आंसर है, क्वेश्चन है आंसर है। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लेंगे, यानी पढ़ लेंगे। और कौन कौन से टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे, साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप के प्रश्न है। और आप प्रश्न पढ़ लेंगे तो इतने आपके कवर हो जाएंगे कम दिन में। और इसको आप ले कहाँ से सकते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया, आप कहीं से भी दोस्तों इसको 30 रुपये में ले सकते हैं। दोस्तों ये बुक मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी, ऑनलाइन ही मिलेगी, जब दोस्तों आप परचेस करेंगे उसी टाइम दोस्तों ईमेल आईडी जो डालेंगे उसी ईमेल आईडी पे डाउनलोड भी होगा, और उसी ईमेल आईडी पे इसका पासवर्ड भी मिलेगा। दोस्तों मेरे देखने में ये बुक अच्छी लगी है, आप भी देख लीजिएगा, अच्छी लगे तो जरूर ले लीजिएगा। अगर जो 1 से 2 दिन का टाइम है दोस्तों, तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके कुछ ना कुछ नंबर जरूर आपके पेपर में बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, युजवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित हैं, युजवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित हैं, इनका नाम तो आपको पता ही होगा, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2017 का खिताब किसको मिला, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों विराट कोहली को। तो दो क्रिकेट से देख लीजिए, आज दो प्रश्न आए हैं, तो दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे, आगे आपका पेपर है तो। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैं आपको पीछे वीडियो में करा चुका हूं, और दोस्तों नीति आयोग का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे दे दिया हूं। अगर जो दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, तो कमेंट बॉक्स में भी उसका नंबर है, टेलीग्राम का लिंक है, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम दोस्तों आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इन सारी प्रश्नों की मैं पीडीएफ भी देता हूं, सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट मैथ रीजनिंग जितने भी आपके एनालिसिस होंगे, जितने भी पीडीएफ दोस्तों होंगे वहां पर मैं देता हूं, तो आप टेलीग्राम को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों आज नीति आयोग से क्या प्रश्न पूछा गया है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। पिछले दिन पूछा गया था नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं। सीईओ भी पूछा गया, नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत हैं सीईओ। नीति आयोग का दोस्तों गठन कब हुआ है, 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग से इतने सारे प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों को दोस्तों याद रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, गिफ्ट सिटी किस राज्य में बन रहा है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात में बन रहा है गिफ्ट सिटी। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 35.453 होता है, तो 35 दोस्तों इसे 5 भी याद रखेंगे तो ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट कितना होता है, 35.453, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, 50 रुपए के नए नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है, तो रथ के साथ हम्पी का, किसका, हम्पी का, तो याद रखेंगे, यह प्रश्न दोस्तों पूछा
किया गया है। तो ये आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, सेकंड शिफ्ट का ये भी प्रश्न है, कार्य का एसआई यूनिट क्या होता है। तो कार्य का एसआई यूनिट कितने बार दोस्तों रिपीट कर चुका है, 8 से 10 बार ये रिपीट कर चुका है, और कार्य का एसआई यूनिट जूल होता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, ये भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरएनए का फुल फॉर्म मैं पहले भी बता चुका हूँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए का भी पूछा गया है पिछले दिन, तो डीएनए का भी याद रखेंगे, नहीं याद है तो आप सारे पीछे का साइंस के जरूर क्वेश्चन देख लीजिएगा, साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं तो आपको याद आ जाएंगे, क्योंकि साइंस के प्रश्न भी रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, एकदम करेंट का क्वेश्चन पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वर्तमान में कौन है दोस्तों, रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, और ये कब दोस्तों पद ग्रहण किए हैं, तो 3 अक्टूबर 2018 को पद ग्रहण किए हैं। तो इनका नाम दोस्तों जरूर याद रखेंगे, आगे आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो ये प्रश्न दोस्तों क्या है, 5 से 7 बार कम से कम रिपीट कर चुका होगा दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 को प्रथम युद्ध हुआ था, और द्वितीय युद्ध भी पूछा गया है 5 नवंबर 1556 को हुआ था, और तृतीय दोस्तों याद रखेंगे आगे पूछा जा सकता है कब हुआ, 14 जनवरी 1761 को। तीनों दोस्तों याद रखेंगे तीनों, क्योंकि आपके रेलवे ग्रुप डी में तो पूछे ही जाएंगे, और आगे अदर कोई सा भी एग्जाम देंगे तो उसमें भी ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला आपका दोस्तों प्रश्न है रीजनिंग से है, रीजनिंग का मैं प्रश्न बता देता हूं, उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे आपको देना चाहिए, अगर आपका पेपर नहीं हुआ है और 1 से 2 दिन का टाइम है तो दोस्तों उसे आप लास्ट वाले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में जरूर जान लीजिएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न है इसमें 9, 25, 36, 63 में भिन्न या अलग बताइए, इसमें आपको बताना है कि अलग कौन सा है। तो दोस्तों इस सीरीज में अलग कौन सा है आपको बताना है, तो मैं आपको क्या बताया था दोस्तों, संख्याओं को ध्यान से देखना है, संख्याएं कैसी हैं। तो संख्याएं को दोस्तों अगर जो ध्यान से देखें तो 9 क्या है दोस्तों, 3 का स्क्वायर है, 25 क्या है दोस्तों, 5 का स्क्वायर है, 36 क्या है दोस्तों, 6 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये दे, और 63 क्या है दोस्तों, स्क्वायर है किसी का नहीं, तो 63 अलग हो जाएगा, और ये तीन दोस्तों जो संख्या है 9, 25, 36 एक जैसे हो जाएंगी, क्योंकि ये स्क्वायर है और 63 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये अलग हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न उसमें पूछा गया है 5, 18, 44, 83 तो अगला संख्या क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखेंगे दोस्तों हम क्या करेंगे, सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रही है, 5 है 18 है 44 है 83 है, तो हम देखेंगे अंतर कितने का बढ़ रहा है, 5 से 18 हुआ 13 बढ़ा है, 18 से दोस्तों 44 हुआ है तो कितना बढ़ा है, 26 बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 26 बढ़ा है, और 44 से दोस्तों 83 हुआ तो कितना बढ़ा है, 39 बढ़ा है, ठीक है, तो देखेंगे कितना कितना बढ़ रहा है, 13 बढ़ा है, 26 बढ़ा है, 39 बढ़ा है, अब आगे दोस्तों कितना बढ़ेगा, 52 बढ़ेगा, तो 52 जोड़ देंगे 83 में, तो 3, 2, 5 हो जाएगा, और 8, 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8, 5 आपका 13 हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 135, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे ये भरा जाएगा। सीरीज कैसे बढ़ी है, 13 बढ़ा है, 26, 39, तो आगे क्या बढ़ जाएगा, 52, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का है, एफ आई एल उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या यानी कौन सा अक्षर आपका आएगा बताना है। तो हम देखेंगे दोस्तों कैसे बढ़ा है, एफ के बाद आई है, तो यानी क्या क्या छूट गया दोस्तों, जी और एच छूट गया है, उसके बाद से बीच में जी एच का गैप, उसके बाद आई है, आई के बाद एल है, तो आई के बाद क्या आता है, जे के, दो छोड़ दिया है, एल दिया है, एल के बाद दोस्तों हम दो छोड़ देंगे तो कौन कौन से छोड़ेंगे, यम और एन छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ओ इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, प्रश्न है दोस्तों 45, 48, 51 और 54 आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो ये दोस्तों क्या है, बहुत ईजी प्रश्न है और ये सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए इसमें कैसे बढ़ा है, 45 के बाद कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा 48, 48 के बाद कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा 51, 51 के बाद दोस्तों कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है 54,
फिर आगे क्या बढ़ेगा, तीन, तीन बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 57। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 57। देखिए दोस्तों, मैं आपको जितना भी पढ़ाया हूँ मैथ रीजनिंग, वही सब प्रश्न आ रहे हैं, उससे बाहर एक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैथ रीजनिंग तो एकदम पक्का आपका अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि ईजी ईजी प्रश्न आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पाँचवा प्रश्न पूछा गया है, घास मोबाइल जूता का वेन डायग्राम बनाना है। तो दोस्तों, मैं आपको वेन डायग्राम से प्रश्न बताया हूँ कि क्या करना है, आपको देखना है किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित। तो घास का संबंध मोबाइल से है दोस्तों, या जूता से है, या मोबाइल का संबंध जूता से या घास से है, तो इस प्रकार से देखेंगे। किसी का संबंध है दोस्तों किसी से है, तो दोस्तों देखेंगे घास भी अलग है, मोबाइल भी अलग है, जूता भी अलग है, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बन जाएगा, अलग हो जाएगा, घास हो जाएगा, यह मोबाइल हो जाएगा और यह जूता हो जाएगा, तो इसका वेन डायग्राम दोस्तों इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सारे प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों, इस प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बेल आइकन को दबाना दोस्तों आप जरूर बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन पे प्रेस किए रहेंगे तभी आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलेगी। आइए दोस्तों, बताते हैं आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए 10 ऑनलाइन स्पेशल टेस्ट सीरीज बनाई गई है दोस्तों, जिसका कीमत है दोस्तों 49 रुपये। और दोस्तों, इसमें आप कैसे दे सकते हैं, तो इसमें दो भाषाओं में दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। और दोस्तों, जैसे आप रेलवे ग्रुप डी में आपको 90 मिनट मिलेगा, 100 प्रश्न मिलेंगे, वैसे ही दोस्तों इसमें भी 90 मिनट मिलेगा, 100 प्रश्न मिलेगा। सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि आप इसे मोबाइल पर भी दे सकते हैं, लैपटॉप पर भी दे सकते हैं, कंप्यूटर पर भी दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर जो आप किसी प्रश्न में आपको डाउट हो रहा है तो उसका दोस्तों सॉल्व भी है, पूरे क्वेश्चन का सॉल्व है। किसी प्रश्न में डाउट है तो आप लास्ट में जब देखेंगे उस प्रश्न का सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। और दोस्तों, इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप ले कहां से सकते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, कमेंट बॉक्स में भी, आप कहीं से भी दोस्तों इस टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। और दोस्तों, टेस्ट सीरीज को संबंधित डाउनलोडिंग या पेमेंट संबंधी किसी प्रकार की समस्या होती है तो लिंक पर जब दोस्तों आप विजिट करेंगे तो वहीं पर आपको यह वाला नंबर भी मिल जाएगा, उस नंबर पर आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने से आपको फायदा क्या होगा, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर जो आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे तो आपको 10 से 15 नंबर दोस्तों आसानी से पेपर में बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास 1 से 2 दिन का भी टाइम है ना, तो आप दोस्तों 4 से 5 जरूर टेस्ट दे लीजिएगा। टेस्ट दे लेंगे तो आपके अंदर डर और हिचकिचाहट जो होती है दोस्तों, ये चीज पेपर में नहीं होगा, आप कंफर्ट होकर आराम से पेपर देंगे। तो मेरे देखने में दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, रेलवे ग्रुप डी की एकदम लेवल की है दोस्तों, जैसे पेपर में पूछा जा रहा है। तो आप भी देख लीजिएगा, अच्छी लगे तो दोस्तों जरूर दे लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। बाय।